नमस्कार दोस्तों, सर्दी के मौसम में सबसे पहले जो असर पड़ता है वह हमारे शरीर पर पड़ता है और फिर जिसके कारण त्वचा रूखी होने लगती है, सिर में डैंड्रफ होने लगती है और इसके कारण अक्सर सिर में खुजली की शिकायत भी रहती है। अगर आपके भी सिर में खुजली की शिकायत हो गई है तो हम आपको बताएंगे कि कैसे घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सिर की खुजली से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहली चीज है नींबू का उपयोग। इसके लिए आप एक छोटा चम्मच नींबू के को एक कप पानी में मिलाकर बालों में 10 से 15 मिनट तक लगाएं। इसके बाद ठंडे पानी से बालों को धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करें, आपको जल्द ही फर्क देखने को मिलेगा। अगली चीज है दोस्तों, नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके सिर के लिए एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर का कार्य करता है। इसके लिए आप थोड़ा सा नारियल तेल को एक कटोरी में लें और हल्का सा गुनगुना करके पूरे सिर में हल्के हाथों से इसकी मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर की डैंड्रफ दूर हो जाएगी और उसके साथ साथ सिर की खुजली भी दूर होगी। अगली चीज है दोस्तों, मेथी। मेथी दाने और राई का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अपने सिर की खुजली को मिटाने के लिए। इसके लिए आपको मेथी दाने और राई का एक पेस्ट बनाकर 20 मिनट के लिए बालों पर लगाना है और उसके बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लेना। अगली चीज है दोस्तों, प्याज का रस। इसके इस्तेमाल के लिए आप एक प्याज लें और इसको पीस कर इसका रस निकाल लें। फिर रुई की मदद से आप पूरे सिर में एक समान रूप से इसको बालों की जड़ों में लगा लें और फिर 20 मिनट के लिए इसको लगाकर छोड़ दें। इससे आपके स्कैल्प्स इन्फेक्शन फ्री रहेंगी और खुजली भी बिल्कुल नहीं होगी। अगली चीज है दोस्तों, बेकिंग सोडा। इसके लिए आप 2 चम्मच बेकिंग सोडे को थोड़े से पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को आप हल्के हाथों से बालों पर 15 से 20 मिनट तक लगाएं और फिर इसे थोड़ी देर लगे रहने दें और फिर उसके बाद आप बालों को धो लें। आपकी सिर की खुजली इससे पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।